अरे यार, क्या हो रहा है ये सब स्कूल में? अरे अमन का बाबा और चाचा खालिद स्कूल में प्रधानी का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। ओहो, तभी मैम के साथ मीटिंग हो रही है। देखो रे, बात सुनो तुम दोनों। पहले हमारे यहाँ सिस्टम सुबालक पहले ही बहुत खुश हैं, हमें कोई जरूरत ना प्रधानी लागू करवाने की, ठीक है ना? अब देख रहे हो चाचा मल, देख रहे हो मैडम को? ए मैडम, जब तुम्हें नहीं पता नहा का क्या चल रहा है तो क्यों बोल रही है तुम्हें? नुक जी, तुम्हें सब पता, फील्ड में उतर कर देखो, फील्ड की हमें पता है सारी है। वो लौंडिया परी चौधरी गरीब घर से बिचारी, 170 रुपये काल रखे हैं इसके पोते ने, उस पर कहाँ से देगी? वो दूसरी छुआरी की लौंडिया 10 रुपये उस पर काल रखे हैं, उसे पूरे ही घर से 5 रुपये मिलते हैं रोजाना टेम्पू के किराए भाड़े के लिए हैं, उसकी तो 2 दिन की झाड़ी मारी गई। इन निखद्दों को शर्म नहीं, इनकी जेब भरते रहो बस। और तुम कह रही हो ना सब सही चल रहा, हमसे पूछो ना। फालतू बोलने की जरूरत ना, ऐसा इल्जाम ना लगा आग मार बालखन को। ए चाचा श्यामलाल, तुम्हें कुछ पता ना, पता करना अपने बच्चों से। उस दिन ना देख रहे अपनी आंखों को, निकाल के तुम हंस के जलेबी छीन के खा रहा लौंडिया की है, बात बना रहे हो मैडम? तुम इस पे एक्शन लो, हमें चाहिए प्रधानी। अरे महाराजो, ऐसा आज तक का स्कूल में ना हुआ। ए मैडम, इसीलिए तो चाह रहे यहाँ पे हो शुरुआत। देखो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। अब एक बात बतलाओ तुम, ये हमारे चाचा श्यामलाल हैं, हमारे गांव में सबसे पहले बीड़ी पीने वाला इंसान यही है। हमारे गांव में जो बीड़ी की पहचान करवाई चाचा श्यामलाल ने करवाई, इनने पी सबसे पहले, आज इंसान ला पूरा गांव पी रहा। इसीलिए मैडम मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, कैसे इस प्रधानी वाले नियम को नाच के ले आओ, फिर देखो पूरे देश में चलेगा ये वाला मसला। अरे मैं गई प्रिंसिपल के धोरे, मने कर दीवाना साफ साफ मोसू और छो होगा। ओ थारो यू सिस्टम ठीक है भाई, फीस भरे हम और फैसले ले तुम और बड्डो मास्टर है। बात सुन ले, आज के इलेक्शन तो होएगा, बता दीजिए तो अक्सुबा मास्टर अभी कहा लगे है। तो खाली दर बाबा क्या करके मौनेंगे, कहा करके मौनेंगे यूं तो पता ना, पर दोनों ने मैडम के पाँव उखाड़ रखे। मास्टर जी, मैं तो तुम्हें ढूंढती डोल रही। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताई तो ही, इन बालकन ने इतनी दिक्कत कर रखी है, मेरे सर में दर्द होगा। अच्छा, आपने बाबा और खालिद के बारे में जो बताया था जो चुनाव के लिए बोल रहे थे? हाँ सर, देख लो दरिंदर ने कहा आतंक मचा रखा, अब तो मोह लगे इनकी बात माननी पड़ेगी, धरना दे रहे हैं। तो बाबा उल्ली डाड़ते खइयो, पल्ली तो तेरी भूख हड़ताल, कभी बेईमानी करो सारा समाज बैठो। एरी छुआरी की छोटी लौंडिया, तेरी बहन कांच के गई है? वो तो मामोन के गई है। तू कुछ खाने पीने के लिए लाई हो तो लिया, ये तो चाबरा ना बैठा वहां से। देखे मैडम जी, यह बात है तुम भी जानो मैं भी जानो, पूरे स्कूल में इन दोनों ने सारे बालकन में जादू चला रखा हो, इन्हें इलेक्शन की अनुमति तो देनी पड़ेगी। यह बात है तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मास्टर जी, उत्तर ना कब जाई कर लियो पूरे स्कूल पे, हमसे तो कोई बालक डरे ही ना है। या हमारे मैडम, इन दोनों से कह दो कल को हम 2 बजे इनको इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है मास्टर जी, अब तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी ना निकले तनख्वाह भी। अरे तुम सारे बालक पहले तो मेरी बात कान लगा के सुनो, अब तुम सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड्डा मास्टर है ना बात मान गो, अब तुम्हें जो भी बोटिंग शोटिंग करवानी हो 2 बजे आके मुँह अपने परचन में भर भर के दे जाइयो, और मैं तुम्हारे पर्चा भर के कल को तुम्हारी बोटिंग वोटिंग करवा देंगे। बहुत धन्यवाद। अरे सुनो सुनो दरिंदो, मेरी भी सुन लो, 2 बजे सही अपने अपने परचन ने भरने को आ जाइयो, मो भी घर को जानो, भरू ना हुआ के बाद किसी के भी, पहले ही कह रही हूँ। ए मैडम एक बात तो बतलाओ, पर्चा भरना क्यों है? है मुझे निर्विरोध करवाओ ना तुम। अरे यू का कह रहा, तू भी लड़ेगा? हे चाचा ये वाली क्या बात कर दी तुमने, लड़ेंगे क्यों? ए प्यार से मुझे जीतने दो, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? मौत है नियत में पहले ही सको, तू बाज नहीं आएगा, हरामी एक नंबर के। हे चाचा ये वाली क्या बात कर रहे हो तुम्हें, हम क्यों ना लड़ सके, तुमसे कम खाते हैं हम जो हम ना लड़ सके। एक बात बतलाओ मैडम, तुम भी सुनना गौर से, बस तुझसे ज्यादा पुलिस ने पीटा मुझे, तुझसे ज्यादा बुड्ढे कर जा मुझ पे हैं, तू कैसे हमारी होड़ कर लेगा है? और तू लंबाई में आज नपले ले, नपले आजा, बात बना रहा हूं का तू ना लड़ सके। हाँ ठीक है, इन बातों में तू आ गए, पर मेरे ससुरालिया जो वो ज्यादा पेल गए, तू तो अभी एक फेरे चंडा हो भाई। ये वाला मसला तो मेरे रुखसाना का, तू क्या ले इससे? हाँ चल ठीक है, तू ही काम से डोखला ले, तू भी लड़ पड़ता हूँ हम भी लड़ेंगे। मैडम जी हमारे पर्चा 2 बजे तक। हाँ भाई
जो मेरे समर्थक है मेरी ओर को आ जाओ तंदक। बे जरा मेरे समर्थक पीछे को आना, भीड़ लगाओ पीछे, बुढ़े को दिखाओ कितनी सपोर्ट है मुझे। अरे छुआरी की तू कहां चली है? बाबली हो रही इधर आ तू, तेरी अम्मी से बताना पड़ेगा, तू बहुत जो ना बर्थडे में हो रही है। बालको बात इज्जत पे आ गई है, खालिद ने जो है ना दावेदारी ठोक दिया प्रधोनी की। बाबा मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, यू आदमी बेईमान है, पता ना तुम वापस क्यों इतना भरोसा करो। भगवान जो ना तुम्हारे कंधान पे धर के बंदूक चलाई है। बस बंदूक से याद आया, कल को मैडम से परमिशन लेनी पड़ेगी हथियार लाने की। सही कह रहे हो बाबा, झगड़ा बन सके। परमिशन है छोड़ो, तुम पहले इन लौंडियों ने पटाओ। मैं क्या पटाऊं बाबा? हाँ हर वीडियो में तू पटा करे, आपका बाबा मौसम उम्मीद है और मैं अपने बाबा की उम्मीद पर खरो तन्नो। जब भी सोचेंगे उल्टा ही सोचेंगे। रे बोटन के मारे फटाड़े कह रहा हूँ। सुना है तुम आजकल मुस्कुराती बहुत हो, मेरे दिल को भाती बहुत हो। जी कर रहा है तुम्हें ले चलूं कहीं ढाबे पर रोटी खवाने को। मैं ले तो जाएगा पर तेरी जेब में इतने पैसे होंगे? ये लौंडिया खाती बहुत है। देख ले भाग रहा है, भाग क्यों रहा हरामी, आ जाना। भाई शर्म गैरत तो है ही ना तुम लोगों के, साले अपने बाबा पे गए हो ऐरी जमालों की। तुझे भी पता ना है इनके कितने हराम खो रहे हैं। तेरी अम्मी बहुत अच्छी वीरबानी है, इसलिए बेटा तू भी अच्छी बन, हमारी टीम में चल। आ जरा मेरे साथ साथ चल, तू चल, तुझे दाल से खिलवाऊंगा, आ जा। अरे वोट जो हमें देनी है, कभी बाबली बन जाए इनके चक्करों में, है ना। चाचा तुम चिंता मत करो, मेरी वोट तुमको ही है। देख ले भाई आदमी, धोखा मत दे दीजो। वो जो मैंने तो बाद रोटी खवाई ना, वह सब्जी में नमक हो, और नमक भी ऐसा वैसा ना हो, टाटा को हो बढ़िया वाला। ए चाचा कैसी बात कर रहे हो, नमक खराब ही नहीं करूँ कतई भी। देख कितना सीधा इंसान है तू आदमी, एक बात तो बतला तू मुझे, ए, कितना नमक खा लिया आते है ना उसका जो तू इतना घबरा रहा। भाई तुझसे ज्यादा नमक तो मैंने खाया उसके नहा पे। ये कुछ बात ऐसी होती है जो अपने हक के लिए लड़ी जाती है। प्रधानी है अच्छे लड़ेंगे हम तो, इसके बाबा का कर्जा चाहिए जो ना लड़ेंगे। लुका जी सब्जी में नमक खिला दे, घबरा मत हमारी तरफ रहे। एक बात बतला तू, इस बात तू दसवीं क्लास में मुझे ये बतलाना ईमानदारी से, निकाल लेगा तू दसवीं क्लास को? यार खालिद इस बार तो मुश्किल है। बे इस बार मुश्किल ना तुझसे नहीं किला, दस जन्म में भी दसवीं है, कोई बच्चों की प्ले क्लास ना आज इसमें रेड छिनकना सिखाएंगे और तू जो पास कर लेगा। तो यार खालिद कैसे बात बने फिर? मैं कैसे बात बनेगी, बात तो बनी पड़ी है। तू मुझे जो इस बार प्रधानी में जीता, मेरे कोटे में जो ना दसवीं क्लास की दो सीटें आएंगी, एक पे मैं तुझे पास करवा दूंगा, वादा है मेरा। तो दूसरे किसे पास करवाएगा? मैं कितना नादान आदमी है, मैं खुद को ना पास करवाऊंगा दूसरी पे, वैसे ही थोड़ी पैर तोड़ाई चल रही है, खुद को भी तो निकालूंगा दसवीं में, मुझसे का लिखाई पड़ी में हो रही है पास। अरे आ गई तू जमालो की, वो लौंडिया नहीं तेरे साथ, तेरी सहेली जो ही वो परी, उससे बात तो करवा, हमारी मीटिंग करवा, यही अपना कर ले, नहीं बात होंगी। चाचा वो 10 मिनट में आने को कह रही है। बस 10 मिनट बाद आएगी, तो एक काम कर आदमी, तू इसको घेर कर नहीं बिठा, थोड़े दाल सेब खिलवा, मैं चलता हूँ दौरा करता हूँ, बुड्ढा कुछ गेंद तो ना खेल रहा है ना, खिला इसको दाल सेब से थोड़े से। मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और 2 पे खत्म होती है। बे गलत कह रहा है हरामी तू, ये वाली बात मुझे हजम ना होती है। बब कहा को भाग रहा है जास की कल्ले, सालो शर्म गहरे तो तुम्हारे है ही ना, ऐसी इनका बाबा हो रहा उस पे ही गए ये भी, ऐरी छुआरी की, और तुझ में भी समझदारी नहीं है। तेरी बहन पे 10 रुपए काल रखे इन्होंने आज भी है, अरे इनसे बात बतला रही है तू ना खड़ी होकर, इधर को चल तू हमारी टीम में आ, ना करा। तुझे हमारी पार्टी का कार्यभार संभालना, चल। ए लौंडिया अपना तो जो है ना एक ही मकसद है, अपना विकास करना, पैसे छापने यहाँ पे, इसलिए लड़ रहे हैं हम तो। ए बे आदमी बै तुझ में इतनी समझ नहीं है, तूने इस लौंडिया को दाल से ना खिलाए, मुझे क्या बताया इसने? बैठ तू ना पे बैठ, बै कुछ काम अपनी समझ से भी कर ले करो यार, तुम्हें सारी जिम्मेदारी दी हुई है, एक मुट्ठी दाल से खुले इस लौंडिया को। मूंगफली वाली गिरी भी डालना, ले भाई बैठ, तेरे अंदर बहुत है। चबात परेशान मत हो, चबा खूब बढ़िया। चाचा आ गई। अच्छा अच्छा ये लौंडी आ गई, भाई तू जरा एकांत में हुआ, तुझसे अकेले में कुछ बात बतलाऊंगा, तू नहीं बैठ रही जमालो की,
इसे दाल से दे दिए ना सुबह, हाँ मत देना। तो आ जा लोंडिये, तू यहाँ पे बैठ। हाँ भी कुर्सियाँ पड़ी हैं हमारे पास, कभी तो हमें गरीब जाननी हो। अब तू ये बतला मुझको, प्रधानी का पर्चा तू भरेगी या मैं भरूँ? देख हम तो तेरा जो पूरा सम्मान करते हैं, अगर तू कहेगी चाचा मैं लड़ना चाह रही हूँ तो खालिद अपने पैर जो पीछे कर लेगा। बतला तू अपना फैसला ले। ठीक है चाचा, तुम चाहते हो तो मैं लड़ लेती हूँ। अच्छा रहीशनी, अरे इतना खर्चा कहाँ से करेगी तू? क्या खर्चा? अच्छा खर्चा ना दिख रहा तुझे? अरे लौंडिया जरा अपने मुंह खोल के दिखा, क्या चबा रही है तू? देख लिया रह गया खुली की खुली। ये तो दाल सेव है, ये तो मैं भी खिला दूंगी। हाँ दिख रही है कितनी बड़ी रही से तू खिला देगी। पहले श्यामलाल के पोते के 170 रुपए ही दे दे तू, जब ही खिला लियो दाल सेव। अब बतला तू वोट देगी हमें ना देगी? ठीक है दे दूंगी। हाँ वे आदमी, लौंडिया ने समर्थन दे दिया अपना पूरा पूरा, इसको एक मुट्ठी दाल सेव खिलाओ, चल खा। श्याम लाल को भी बता देंगे हम क्या चीज है, हल्की बुल्की बात समझ रहा है हमारी। हाँ बाबा, वो खालिद ने बतलान दे रहा कहीं भी लौंडिया सु। बाबा मैंने भी कोशिश करी, जमा लो की पटान चाह रो, बीच में ही आबड़ो, उल्टी सीधी बात अन्य और कहे, मैं तुम्हें तो बता ना पाऊंगा। तुमको कह रहा हूँ हरोमी परोमी जन कहा का। अरे फुकन भी दे सो सरे, हमारी छप्पी ज्यादा, तीन हम हो गए, दो चैटा और घुरा हो गए, और वे दो लौंडा नौ बड्डे वाले वे हेंगे। और मैंने सुनिए जो आदमी फिसल को कही है वो तो गयो बाबा, दिल बदल गो तो चोर। फुकन दे ज्यादा, हम छप्पी जीतेंगे हम ही। देख श्यामलाल, यहाँ स्कूल में तो हथियार वतियार आने सुर है, और अगर आ गए तो तुम्हें सब पता हो कहाँ सजा मिलेगी, सोच लियो पहले ही। सोचो बेटावन। सही नौ मैंने सोच कर देख ली, मुर्गा पुर्गा बनाएगी, टाल मार दो परे को, कह दो। मैडम ये टाल है तो रहन दो हथियार में। चल ले नितिन, मैडम फिर पांच छू का आशीर्वाद ले। मैं ले रहा हूँ, मैं तो सुबह ही अपनी माँ का आशीर्वाद लिया आया हूँ। अरे रहन दो श्यामलाल जी, आजकल के बालकन की तुम्हें पता है, आप बालक ऐसे कहाँ रहे हैं जो पाम बामन न छुएंगे, रहन दो तुम। चलो बेटा मन तू छूला। बेटा बात सुन, मैडम के पावन में जो है ना लक्ष्मी को वास होता, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पावन न छूला। बेटे हुई ना मैडम के पावन में लक्ष्मी की प्राप्ति। आओ बाहर चल ले। यार खालिद बड़ी टेंशन वाली बात है, यू तो मैडम ने हथियार को मनाई कर दी लाने को। बे आदमी तू क्यों चिंता कर रहा मेरे होते हुए, खाली तो मैं इस स्कूल में ऐसा हथियार उतारूंगा उसे मैडम तो क्या खुद खालिद ना रोक पाएगा। अरे यार नितिन रो, पूरी रात तुमने स्कूल में भूखे मरवा दिए, कुछ खाने को ना मंगायो। अरे मेरे यार भेजो तो मन तिल से कड़ी रख झक्कू घर अभी बैठा हो चुप। अबे नितिन सब कंट्रोल में है ना? हाँ बाबा कंट्रोल में, पूरी रात रखा है अभी कंट्रोल में नांगे। अरे हिमांशु और कैसे है? उन सब से बात हो गई है, कमरे बंद कर रखे हैं। चल तो दबोच कर रखिए नन्ने। ठीक है बाबा। रे कुछ खाने पीने कुछ दे दो दरिंदो, पूरी रात के भूखे प्यासे पड़े। ए पड़ो किल भूखा प्यासे पड़ो, वोट तो तुम्हें दे ही देंगे। यार खालिद हमारे तो वोट कम पड़ जाते दिखे हैं। बे आदमी यार तू बहुत सीधा, बे मेरे होते हुए चिंता क्यों कर रहा? तू एक बात बतला, तुझसे कितने रुपए के दाल से मंगवाई मैंने? 20 रुपए की मंगवाई। तो तू इन सारों को ही खागा तेरा पेट निकल ला, तेने जरा से भी ना छोड़े मेरे लिए। उन लौंडे ने दिए मैंने। बे रहन दे मुझे सारी पता, लौंडियों को कितने दिए तूने, इतने इतने से दिए। अरे चैटा सारी गज्जकन ने खाकर डकार भी ना मार रहा है, तेने ये लौंडा की आदत और खराब कर दी। यू गुहेरा तो बढ़िया है, हमारी यहाँ गज्जकन ने चाव रहा, खालिद के दाल सेवन ने खा रहा, बेकूब जान रहा हमें। अरे गुहेरा तू भी आके चक्कर में आगो, पता किसा देगा वोट? बाबा सामने ले दूंगा। पक्की बात? ए भाई इन माता के जीवन ने कैस तंग कर रहा, कैस मार रहा हो, बात हो तो गई इनसे।
ए बाबा बात तो होगी, पर ये थारा चैटा जो हो ना, यू दोहरी राजनीति कर रहो। यहाँ हमारी गज्जा कन्ने खा रहो और वहाँ खालिद के दाल से बने चबा रहो। अबे चैटा बाज नहीं आया, तू भी मक्कारी करने थे, कहनी पड़ेगी तेरी दादी थे। और नितिन को ए बाबा, नितिन भी कन्वेंशन में ही लग रहो। वे रात हिमांशु और हमने यही कमरे में बंद कर रखे है ना, तो उनकी निगरों नहीं कर रहो तन। श्यामू रखबीरी, तू आज के जब तू आज के तो मैं काज के। यहाँ पे ठीक है, आने को बतलाएंगे। ओ बाबा बोझ पड़ने वाली है, तनक देर रह रही है बोझ पड़ने में। इंगा उंगा को मत डर, को हार जाएंगे नहीं तो। होश ले लो, अभी आ रहा हूँ। श्यामू पता है मैं तुमको कितना मिस कर रही थी, कर दी ना तुमने मेरे साथ बेवफाई, अकेले आके स्कूल में दाखिला ले लिया। अरे दाखला तो मजबूरी में लियो, उन लुड्डो से जो बहस होगी या मार लेना पड़ेगा। मैंने सुना है तुम स्कूल में प्रधानी लड़ने वाले हो, जीतता जाओगे ना श्यामू। अरे जीतता तेरे श्यामू की निश्चित है, उंगा तो वोट पड़ेंगी और इंगे माला पड़ेगी। अरे रुको रे, मैं गिरवाऊंगी तेरे माला दूल्हे। ओई मां दीदी लुड्डो श्यामू। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जो गंगाराम का लौंडा ना आदमी, इसने बिगाड़ा पूरा इलेक्शन। ये चैटर गुहेरे इसके घुमाए हुए, बहुत तेज है ये डाडी वाला। तू नहा से निपटने के बाद मिल लेना मुझसे, मैंने सुना अच्छा आदमी है तू। हमारे स्कूल की यू पहली पहली प्रधानी ही, तो अब रिजल्ट तो मेरे हाथ में आ गो। अब मैं थोड़ी देर में तुम सब रिजल्ट बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो सारे बालक। एक वोट से जीता है, एक वोट से जीता है खाले। देख लो हरामी को, दुबका राम वाला ना डाल, ना ला साले फेल करवा दूंगा। अब देख नाच के ठुमके। खालिद ने चुनाव जीत लिया, लेकिन उसने जीत की नींव रखी थी चुनाव से एक दिन पहले। ए चाची रघुबीरी, तुमसे भी बिल्कुल हैरत है। तुम ना बैठ के जो ज्वार काट रही हो, और वहाँ स्कूल में चैटा की दादी तुम्हारी जड़ काट रही है। क्या श्यामू स्कूल जाता है? अब देख रही हो तुम, चाचा श्यामू ने तुम्हें बतलाया भी नहीं है, बर स्कूल जा रहा। और देखो कल तो खुशी की बात है, मुझसे तो रही ना जाएगी बिना बतलाए, इसलिए बतला रहा हूँ तुम्हें। चाचा स्कूल में जो प्रधान बनने वाला है कल को, मैं तो चाची यही चाहूंगा कल तुम स्कूल में जाके जो ना चाचा को आइस पाइस वाला धप्पा मारो। ए चाची तुम ना बैठ के जो आलू काट रही हो, और वहां स्कूल में चाची रघुबीरी डेली जा जाके तुम्हारी जड़ काट रही है। ये उत्ती रघुबीरी डायन जो ना हज के भी ना मानी, पहुंच के मेरे घर के नवा से लेने को। एक बात और बतलाऊं चाची तुम्हें, देखो चाचा तो थाई बड्डे वाला, तुम्हारे पोते भी जो कम हरामी ना, कल को स्कूल में जो हो ना चाची रघुबीरी का चाचा श्यामलाल का लव मैरिज करवा रहे हैं। उरी मेरी मैया, ऐसा विश्वास ना आएगा, तुम ऐसे यकीन करोगी ना। देखो मैं करवाता हूँ, तुम्हारे पोते जो अमन पे फोन कर रहा हूँ, सुन लेना तुम अपने कानों से क्या कहता। बे अमन, बे ना मानने के हो तुम कल को, अपने दादा को जो फूलों वाली माला पहना के मानोगे? अरे अच्छा पहराएंगे माला तो, पर रोके जा और माला छोड़ तू, हम तो डीजे भी बजाएंगे। बता दूंगी या कल को पहरवाऊंगी या माला। अच्छा जी एक और बात बतलाऊं तुम्हें, 1:40 का मुहूर्त है, उस टाइम आके मारो तुम धप्पा। उम्र सारी बाबा खाली जीत गए वोट सु कई विद्वान ने सही कही है, प्यार व्यार सब धोखा है,
पढ़ ले बाबा, मौका है।